हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी की जिला वृत्त बैठक शनिवार को किसान केसरी गार्डन में आयोजित की गई। बैठक में चुनाव संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ जिला संगठन को विधानसभा स्तर पर तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह संगठन प्रभारी वी सतीश ने बैठक को संबोधित करते हुए आगामी दिनों में होने वाले संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर चुनाव संचालन करने के लिए कहा है। उन्होंने मिस कॉल के जरिए बने कार्यकर्ताओं को भी और मजबूत करने के लिए जिला संगठन को निर्देशित किया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चुनाव संचालन समिति के सह संयोजक सतीश पुनिया ने कहा कि आगामी दिनों में कार्यकर्ताओं के बूते पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपने बहुमत पर फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश का मतदाता सभी सर्वे को जुटलाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर चुनाव लड़ती है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दवे, प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्प जैन, राजसमंद सांसद हरिओम सिंह विद्युत, राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़, विधायक ज्ञानचंद पारक, केसाराम चौधरी, सजना आगरी, संगठन प्रभारी देवी शंकर भूतड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता सतीश पुनिया ने जिले भर से आए भाजपा टिकट के दावेदारों से भी अलग से मुलाकात की। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता सुभाष त्रिवेदी ने किया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।